आर्टिस्ट है ना, जिनके राइटर क्या है सिकंदर। आप लोगों को बताया गया था कि इसे किस प्रकार से याद करना है, उस बातों को ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोगों को बोला गया था कि मान लीजिए कि आपका कोई एक फ्रेंड है ना, आपका कोई क्या है फ्रेंड है, और वो जो फ्रेंड है वो क्या है आर्टिस्ट है, यानी कि आर्टिस्ट का हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं कलाकार, आर्टिस्ट का हिंदी क्या बोलेंगे कलाकार। तो मान लीजिए कि अगर याद करने में कभी कभार कठिन होता है तो इसी प्रकार से इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई कहा जाए कि आपका कोई दोस्त है ना जो कि कलाकार है, उसका नाम बताओ, तो बता पाएंगे कि नहीं, है ना। कोई भी अगर मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है आपके दोस्त, है ना, अगर बोलेगा कि कौन इंजीनियर है हमारे दोस्त में जी, तो उसका कुछ नाम होगा वो बताएंगे। तो उसी प्रकार आप जानेंगे कि द आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है कलाकार, और कलाकार कोई पर्सन है यानी आप लोग का दोस्त नहीं है, और उसे क्या नाम है सिकंदर। तो आज से आप याद रखेंगे कलाकार कौन तो सिकंदर, कलाकार कौन सिकंदर। और जाहिर है कि आप लोगों को बता दिया कि इसमें पैराग्राफ 14 तक आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। पैराग्राफ कितना तक पढ़ा दिया गया है 14 तक, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैराग्राफ 15 से, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम जो बोलेंगे उसको कृपया कर आप लोग सावधानी पूर्वक समझेंगे, ठीक है। चलिए तो 15 में कह रहा है कि एज सेवी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, कहा जा रहा है कि सेवी जो है अपने पिताजी है ना, और पिताजी के जो दोस्त थे उनके कन्वर्सेशन को बातचीत को ध्यान पूर्वक को समझ रहे थे। कौन सुन रहे थे, सेवी के पिताजी जो बात कर रहे थे, और सेवी के पिताजी का जो दोस्त थे वो दोनों जो बात कर रहे थे उनके बातों को सेवी जो बेचारा है वो सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना करता था, ठीक है। आगे बढ़िएगा। He was laughing inwardly, और अचानक वो जो लड़का है सेवी जो है उन लोगों को बात उन लोगों के बातों पर हंसने लगा, है ना। अचानक लड़का क्या पड़ता है हंस पड़ता है अपने पिता और पिता के फ्रेंड के बातों पर। The baking god had made quite a strike at time, कहा जा रहा है उनके पिता जी बोल रहे थे कि उस समय के जो baking god था है ना वो भी एक baking god था, मतलब वो जो baking god था उनके लिए उनको क्या हो रहा था अच्छा हो रहा है ना। तो जब हम लोग एग्रीकल्चर बोर्ड में गए थे, एग्रीकल्चर में कृषि मेला लगा हुआ था, उसका हम लोग गए थे वहाँ पर एक बैकिंग बोर्ड को देखे थे, वो जो बोर्ड था वो अद्भुत था, है ना। उन्हीं पर उनके पिताजी और उनके पिताजी का दोस्त क्या कर रहे थे बात कर रहे थे, और उसके चलते मत बोलो अगर नहीं जानते हो, ठीक है।
चले सेमी विंडो से अनदर वर्ड। अब उस दौरान जो या उस समय से सेमी जो है एक भी शब्द नहीं कहा, है ना। जब उनके पिताजी डांट दिए, है ना, कि चुपचाप रहो, सबसे अच्छा यही बात होगा कि तुम चुप ही रहो, क्योंकि तुम इसके बारे में नहीं जानते, इससे अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। उस दौरान वो जो लड़का है बेचारा साइलेंस पर जाना चुप हो जाता बिना कुछ बोले, ठीक है। चले तो एक दिन में आ जाइए, वन डे ही वाज वॉकिंग ऑन अलोंग एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, ही केम अपॉन अ ओल्ड वुमन विद अ फ्रूट से। अचानक एक दिन ये लड़का घूमते घूमते एक फ्रूट सेलर के पास पहुंच गए, और वो जो फ्रूट सेलर थी वो एक महिला थी, ओल्ड वुमन। वो क्या थी, एक ओल्ड वुमन थी, यानी एक महिला थी। वहीं पे लड़का घूमते घूमते पहुंच गया, कहां, जहां पे फ्रूटों का सेल लगा हुआ था, ठीक है। जहां ये भी तरीके पूछा जाता है कि चीज का आप याद रखेंगे, फ्रूट का सेल लगा हुआ, यानी कि फलों को वहां बेचा जा रहा है, ठीक है। कदर ही वाज सेलिंग ड्राइड पर्सिमंस एंड ऑरेंज। जाहिर है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहां पर जो फल बेचा जा रहा था वो पर्सिमंस और ज्यादातर क्या था, पीले फल था और नारंगी नारंगी फल वहां पर बेचा जा रहा था। कहा, जहां पे ओल्ड मैन अपना फ्रूटो का सेल लगाई हुई, फ्रूटो का, फलों का। चलिए, ऑन द स्कूटर ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टेट सी हैड ए ह्यूज अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स। जब वो लड़का ध्यान पूर्वक उस फ्रूटों में देखा, है ना, तो उसी फ्रूटों में से उसे एक बड़ा सा, है ना, एक बड़ा सा उसको लौकी दिखा। क्या दिखा, एक बड़ा सा, उसी फ्रूट के सेलों में एक बड़ा सा उनको क्या दिखा, लौकी दिखा। चलिए आगे हम लोग 20 में देखते हैं। कैन आई हैव अ लुक। अब जब वो लड़का देखता है, किस चीज को देखा, लौकी को देखा, है ना। तो जब वो लड़का देखता है तो देखने के बाद कहता है कि क्या मैं इसे देख सकता हूँ, है ना, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ, ले सकता हूँ। जैसे हम लोग किसी प्रकार से मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान लेने, कपड़ा लाता, सब्जी वगैरह कुछ भी, है ना, तो सबसे पहले पूछते हैं, अगर अंगूर भी लेने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया देखिए खट्टा तो नहीं ना है, तो बोले कोई बात नहीं, मैं वो खा कर देख लीजिए, करते हैं। तो उस दौरान कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, विश्वास पर भी छोड़ देते हैं, कभी कभार ना कर विश्वास रहता तो उसको बोलते लाइए वो खा के देखते, है ना। तो उसी प्रकार से लड़का क्या कर रहा है कि लाइए एक बार क्या करना है, थोड़ा देखते क्या मैं इसे देख सकता हूँ। Sad Sally had immediately run behind the stall and began examining the goods. और उस दौरान जैसे उसको नजर पड़ा बहुत सारे फ्रूटों में एक बड़ा सा लौकी, है ना, उस दौरान वो लड़का दौड़े दौड़े कहाँ चला गया, जहाँ पे लौकी मतलब फ्रूटों का सेल लगा हुआ था, है ना, वहां पर गया और वहां पर ये लड़का जाकर गॉड को चेक करने लगता है, ना, जैसे अगर जो पसंद आया उस गॉड को उठाया और एग्जामाइन करता, है ना, जांच करता है कि ये मेरे लायक लौकी है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, सडनली ही काउट साइड ऑफ ए विच वाज अबाउट 5 इंच लॉन्ग। आप अचानक उसी फ्रूट सेलो में, है ना, फ्रूट के सेलो में उनको अचानक 5 इंच का एक लॉकी दिखा। कितना इंच का दिखा, 5 इंच का एक उनको लॉकी दिखा अचानक, है ना, यानी 5 इंच का उन्होंने क्या दिखा, लॉकी दिखा। तो ये आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जब फ्रूट से लगा हुआ था, जब वहां पर लड़का गया तो अचानक उसे कितने इंच का लॉकी दिखा, कितने इंच का, 5 इंच का। तो ये आप लोग लड़का के याद रखें, ठीक है। आगे बढ़िए, एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट ए कॉमन प्लेस। और उस समय से, उस दौरान से, उस जगह को वो खास जगह समझ लिया। क्या समझ लिया, खास जगह समझ लिया। वो कह रहा था कि मैंने बहुत जगहों पर गया लेकिन इस तरह के हमें लौकी नहीं मिला, है ना। तो जैसे हम देखते हैं, अगर हम लोग नानी घर जाते हैं, दादी घर जाते हैं, जहाँ पे हम लोग को ज्यादा मन लगता है वहां पर ज्यादा जाना चाहते हैं, है ना, और वो हमारे लिए जगह खास होता है, है ना। कोई पर्सन की बात करेगा, नानी घर दादी घर में कोई अगर ज्यादा हमको चाहने वाला, जैसे भाई हो, मामा हो, दादा दादी कोई भी हो, तो उस व्यक्ति को हम याद करते, वही हमारे लिए क्या होता है, खास होता है।
तो इस दौरान इन्होंने देखा कि प्लूटो का सेल लगा तो वहां